देखो ध्यान से, ये जो डेल्टा बना हुआ है ठीक है, ट्राइंगल मतलब डेल्टा, डेल्टा से वाई बना दो, उल्टा वाई या स्टार बुला दो, जो बुलाना होगा। तो ए बी सी इन तीनों को ध्यान रखो, ए ए बी और सी, तो ये ट्राइंगल में कनेक्टेड है डेल्टा। इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है। सेम चीज को तीन टर्मिनल ए बी सी, यहां भी ए बी और सी, तो डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किया, तो ये जो बीच में ट्राइंगल बनाया है सेंट्रोइड वाला, तो ये सी ए सी बी सी सी। तो पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर लोगे आप लोग, डेल्टा ये रहेगा, उसमें आप तीन टर्मिनल देखना ए बी सी, उसी तीन टर्मिनल में ऐसे बना दिया ए बी और सी, तो ये ट्राइंगल का बन गया स्टार। ये क्लियर है सबको, डायग्राम क्लियर है? ठीक है, ओके ओके, थैंक यू नीलेश अराफात तुलसम सबको भी। अब फॉर्मूला भी बहुत आसान है, रेसिस्टेंस का भी मैं याद नहीं दिलाऊंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए, जो रेसिस्टेंस में पढ़ाता वो नोट्स में देख लेना रेसिस्टेंस का था। मैं कैपेसिटर का बताता हूँ, ये हम लोग डेल्टा टू स्टार कर रहे हैं, ध्यान रखना, और हमें इसी की जरूरत है, स्टार टू डेल्टा की जरूरत ही नहीं है। डेल्टा को स्टार में जब कन्वर्ट करोगे, सी ए जो लिखा है इतना अच्छी चीज है कि ऊपर सब में सेम है, सी वन सी टू सी टू सी थ्री सी वन सी थ्री, ऊपर सारे कॉम्बिनेशन लिख लो सी वन सी थ्री, ठीक है, ऊपर सारे कॉम्बिनेशन हो गए दो दो के, डिवाइडेड बाय अगर आप ए वाला लिख रहे हो सी ए, तो इसके सामने वाला कैपेसिटर जो है वो तो डिवाइडेड बाय सी थ्री हो जाए। अगर मैं इस वाले की बात करूं, इस टर्मिनल की बात करूं, तो सामने वाला कौन है सी थ्री, तो नीचे हो जाएगा सी थ्री। सिमिलरली आप सी भी बताओ क्या लिखोगे, ऊपर वाला सेम है सी वन सी टू सी टू सी थ्री सी वन सी थ्री लिख दो, डिवाइडेड बाय सी बी लिख रहे हो, तो बी के सामने कौन बैठा हुआ है सी वन, तो यहाँ सी वन हो जाएगा, बात समझ में आ गई। और सी सी की बात करो तो सी सी के सामने कौन बैठा है सी टू, तो डिवाइडेड बाय सी टू, और ऊपर से सी वन सी टू प्लस सी टू सी थ्री प्लस सी वन सी थ्री, तो ये लिख लो और इसको हम लोग अप्लाई करना सीखेंगे। अगर ये फॉर्मूला आ गया तो क्वेश्चन अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन बहुत ही आसान हो जाता है, चाहे वो रेसिस्टर हो चाहे वो कैपेसिटर हो या आगे इंडक्टर पढ़ोगे उसमें भी आसान होगा। देख लो किसी को डाउट हो तो पूछो। डेल्टा से हम स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डायग्राम देख लेना, और जैसे ये चाहिए होगा ये वाला, तो डिवाइडेड बाय सी, ये चाहिए होगा डिवाइडेड बाय सी वन, ये चाहिए होगा डिवाइडेड बाय सी। अभी अप्लाई करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, अभी देख लो। चलो ठीक है, कुलसुम हो गया, ओआईस वरुण सफूरा और हादिया ने तो लिख लिया, मुस्कान ने भी, अकीरा ने भी, सबने। देखो भाई ये अपना अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन बना हुआ है, ठीक है। अब बोलोगे डेल्टा कहाँ है, है तो डेल्टा राइट भी ट्राइंगल है लेफ्ट भी ट्राइंगल है, किसी भी एक को पकड़ लेते हैं, ये एक्स है, इसका नाम दे देता हूं कुछ ए, इसका नाम दे देता हूं बी, किसी भी एक तरफ को कन्वर्ट करेंगे, तो मैं ए एक्स और बी, तो यहां चाहो तो एक रेफरेंस बना दूंगा ऐसा, ठीक है, सेंटर पे एक पॉइंट बनाकर तीन ऐसे बना दूंगा, क्लियर है सबको ये। अब देखना डायग्राम, जो ये वाली ब्लू लाइन बनी है, ये वाला जो ब्लू लाइन बनाया यहां पर आता है ए एक्स बी, एक यहां पर कैपेसिटर, एक यहां पर, एक यहां पर, ठीक है, ये ब्लू वाले को एक्सटेंड किया ए बी और एक्स, ट्राइंगल हटा के ये, और उसके बाद जो ये पहले से बना हुआ था ये सिक्स, ये थ्री और ये वाई, ये डायग्राम सबको क्लियर है? इसको भी रेड कर दूंगे आप, एक दो तीन, ये तीन को हटाकर ये तीन, सबको क्लियर है डायग्राम? ये जो डेल्टा में तीन है थ्री थ्री और सिक्स, इन तीनों को हटाकर ये तीन बन गया, ऐसा जो था,
सब लोग को समझ में आ रहा है? यस और नो सब लोग बताओ भाई, डायग्राम क्लियर है रफात? ओके थैंक यू, है ना। चलो अब वैल्यूज भी आपको पता ही कैसे निकालना है, ऊपर तो सबका सेम होगा तो वो ढूंढ लेते हैं, ठीक है। थ्री थ्री और सिक्स है, थ्री थ्री और सिक्स है, थ्री थ्री और सिक्स, सी वन सी टू प्लस सी टू सी थ्री प्लस सी वन सी थ्री, ये टर्म तो सबके लिए सेम था, तो इसको पहले ढूंढ लेते हैं कितना आएगा। थ्री थ्री और सिक्स है, थ्री थ्री और सिक्स है, तो क्या आएगा, थ्री इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू सिक्स, सही है ना, थ्री इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू सिक्स प्लस थ्री इंटू सिक्स, सी वन सी टू सी वन सी थ्री सी टू सी थ्री, तो ये कितना आ गया, नाइन प्लस एटीन प्लस एटीन, कितना होता है ये, थर्टी सिक्स प्लस फोर्टी फाइव। देखो एक बार ये सही है क्या, फोर्टी फाइव, ठीक है, ऊपर वाला फोर्टी फाइव हो गया टर्म। अब अगर मुझे ये वाला कैपेसिटेंस चाहिए तो फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाय सिक्स करोगे, जो भी वाला लाइन चाहिए था उसके ऑपोजिट वाले से डिवाइड करते थे, तो ये कैपेसिटेंस हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 6। ये वाला कितना हो जाएगा, 45 डिवाइडेड बाय, इसके सामने वाला कितना है 3, तो 45 डिवाइडेड बाय 3। ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला 45 डिवाइडेड बाय, इसके सामने कितना है 3, तो 45 डिवाइडेड बाय 3। एक बार ये देख लो, समझो ये वाली लाइन इसका कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कितना होगा, 45 डिवाइडेड बाय इसके सामने वाला 6, इसका कितना होगा 45 बाय 3, इसका होगा 45 बाय 3। तो ये तीनों वैल्यूज क्लियर है या नहीं, देखो वैल्यूज कॉमा क्लियर, अगर वैल्यूज भी क्लियर है तो अरे वाह आंसर भी बता दिया अभी मैंने, 15 15 45 बाय 6 को भी डिवाइड कर दूंगा 3 से, तो ये हो जाएगा 15 बाय 2, 15 15 और 15 बाय 2, क्लियर है सबको, वैल्यूज क्लियर है उसका, ओके कादिया, बाकी लोग भी देखो। सबको क्लियर है, चलो ठीक है, सब लोग प्लीज बता दें आप प्लीज, वैल्यूज क्लियर, निलेश क्लियर, अधिभा क्लियर, साधिया, ओके 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 ओके, ठीक है ना। पहले ऊपर का 45 ढूंढ लिया और फिर जो भी पार्ट का चाहिए उसके सामने वाले कैपेसिटेंस से डिवाइड करना है, तो 45 बाय 6 टाइप से ढूंढ लिया, सब लोग कर दिए क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद सर्किट इजी हो गया, अब क्या है, बहुत आसान है, 15 बाय 2 और 6 सीरीज में, 15 और 3 सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में और फिर इस 15 के साथ सीरीज में, तो जैसे ही आपने डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट किया ये बेसिक सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन बन गया। अब डेटा आसान रहेगा तो जल्दी सॉल्व कर लोगे, डेटा अजीब सा टाइम लगेगा तो आप फटाफट सॉल्व करके मुझे एक बार आंसर कंफर्म करो। 15 बाय 2 और 6 को सीरीज में लो, सीरीज का फॉर्मूला लगाओ, 15 और 3 को सीरीज में लो, सीरीज का फॉर्मूला लगाओ, फिर इन दोनों को पैरेलल में पैरेलल का फॉर्मूला लगाओ और फिर 15 के साथ सीरीज में लगाओ, देखो आंसर क्या आता है। और ये आपको आना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, आते हैं अनबैलेंस्ड वाले, भले ही कोई कुछ भी बोले कि अनबैलेंस नहीं आता नहीं आता, बट ऐसा नहीं आएगा तो फ्री में चार मार्क्स लगाओगे, चार मार्क्स बहुत ज्यादा आपका रैंक ऊपर नीचे कर देता है। चलो फटाफट अब इसको सीरीज पैरेलल लगा के सॉल्व करो और कंफर्म करो आंसर सही है, मैं नहीं कर रहा आप लोगों को करना है, डेटा आसान रहेगा, कट कट सॉल्व हो गए, कितना आसान हो गया, तीन का सीधा बन गया सीरीज पैरेलल, ठीक है। तो ज्यादा आसान कौन सा है, ज्यादा आसान कौन सा है, तो आपको अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन में कैपेसिटर भी सॉल्व करना आ गया, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन का रेसिस्टर भी सॉल्व करने आया, और हमेशा डेल्टा टू स्टार लगाना, इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये जनरली इजी है, ऑब्वियसली डेल्टा स्टार आसान है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, रेसिस्टर में अलग फॉर्मूला था इसमें अलग फॉर्मूला है, तो बस उसमें कंफ्यूज मत हो, और जो इसके पुराना पहले वाला मेथड पढ़ा वो जनरल मेथड है, उसमें आप किसी भी सर्किट का निकाल सकते हो, ये तो तभी काम आएगा जब डेल्टा वाला कुछ तरीके का हो, बट ऐसा कोई सर्किट का जिसमें डेल्टा बन ही नहीं रहा तो ऑब्वियसली ये लगा नहीं पाओगे, तो उसमें वही वाला मेथड काम आएगा जो कि